हर हर गंगे नमामि गंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कांवड़ यात्रा का पूरा अपडेट। तो दोस्तों, इस बार हम सावन महीने की शुरुआत में ही आपको कांवड़ की पूरी यात्रा का नजारा दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो किस तरह से बादल पहाड़ों पर छाए हुए हैं। इस बार दोस्तों, हम आपको कांवड़ यात्रा की शुरुआत से लेकर आखिर तक की सभी अपडेट देते रहेंगे। 14 जुलाई से सावन महीने का शुरुआत होने वाला है और 26 जुलाई को पावन शिवरात्रि पर गंगा मैया से भोले बाबा पर जल चढ़ाया जाएगा। जो शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर भोले बाबा को चढ़ाने वाले हैं, उन्हें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जल स्तर गंगा मैया का इस बार बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो भक्त जल लेने के लिए आ रहे हैं, वो आए, उनको सभी को शुभकामनाएं हैं। पर गंगा मैया में स्नान करने से पहले थोड़ा सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो भक्त घर बैठे हुए हैं, वहीं से भोले बाबा को मनाना चाहते हैं, उन्हें हम कांवड़ यात्रा का पूरा नजारा अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। वो पूरा लुत्फ अपने घर बैठे यात्रा का लेते रहेंगे। पूरी यात्रा हम द्वार से ऋषिकेश तक की उन्हें अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऋषिकेश की यात्रा का नजारा दिलाने वाले हैं। हम आपको जानकी झूले से लेकर राम झूले तक की यात्रा कराने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की क्या क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह से शिव भक्तों के आगमन पर कांवड़ की तैयारियां चल रही है। हम आपको नीलकंठ महादेव की यात्रा का भी आनंद चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रह सकते हैं, सभी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। आज हम आपको ये जानकारी भी देने चाह रहे थे कि इस बार हम कांवड़ यात्रा का पूरा लुत्फ आपको अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बनाए रहिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं, देखिए इधर से बाजार जो जा रहा है, बाजार का रास्ता है। इस बाजार के रास्ते की क्या रौनक है, ये आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से भक्तों का आना जाना यहाँ पे शुरू हो गया, फल वालों ने अपनी रेड़ियां लगानी शुरू कर दी है और देख सकते हैं लोग बाग नई नई दुकानें लगाने के लिए सामान ले जा रहे हैं। बाजार में रौनक बढ़ना शुरू हो गई है और इस बाजार में आपको सभी तरह की खाने पीने की वस्तुएं भी मिल सकती है। फिलहाल हम आपको गंगा घाट पे जो रास्ता बना हुआ है, वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ का नजारा दिखा रहे हैं और फिर हम आपको लेके चलेंगे गीता प्रेस गोरखपुर के पास भी। वहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें मिल जाती है, सभी धर्मशालाओं के भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं और दिखाएंगे आपको राम झूले की क्या रौनक है फिलहाल की तारीख में, और राम झूले के पास जो बाजार है वहाँ की क्या रौनक है। सभी जगह हम आपको लेके चलेंगे। चोटी वाले का जो ढाबा बड़ा फेमस है यहाँ पे, चोटी वाले बाबा के ढाबे पे हम आपको खाना तो नहीं खिला सकते, बट वहाँ का नजारा आपको जरूर दिखा सकते हैं। किस तरह से वहाँ पे चोटी वाले बाबा के रूप में एक इंसान बैठा रहता है और एक शोकेस में प्रतिमा लगी रहती है, तो सभी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। गंगा घाट का आप देख सकते हो किस तरह जलस्तर बढ़ा हुआ है, किस तरह ज्वेलर शॉप सजी हुई है, यात्रियों का आना जाना यहाँ पे कंटिन्यू जारी है और सभी लोग अपने अपने मनपसंद सामान खरीदने में भी लगे हुए हैं। आ रहे जा रहे, भीड़ भी ज्यादा नहीं है, पर कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। ऐसे जैसे सावन माह अपने जवानी पे जाता जाएगा, तैसे तैसे यहाँ कांवड़ियों का आना जाना बढ़ता रहेगा। देखते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये पुस्तकालय, यहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं और इसी के सामने गीता प्रेस वालों की ये धर्मार्थ है, ये आश्रम बना हुआ है सामने। आप यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ का अच्छा नजारा ले सकते हैं। हम आपको घर बैठे ही पूरे ऋषिकेश का नजारा दिखा रहे हैं। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा। गंगा का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए हम बार बार सभी शिव भक्तों से कह रहे हैं, गंगा में स्नान करने से पहले आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी शिव भक्तों को शिव भोले बम भोले, हर हर महादेव। घर बैठे सभी भक्तों को हर हर महादेव। अब देख सकते हैं कैसा नजारा है, डेली अपडेट आपको देते रहेंगे। और जो नीलकंठ पे जाने वाला रास्ता है, वहां पर जब शिव भक्तों का आना जाना बढ़ जाएगा, वहां का भी अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इसलिए सभी से फिर से अनुरोध करता हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस बार कांवड़ यात्रा का पूरा आनंद आपको घर बैठे दिखाने वाले हैं। किस किस तरह की झांकियां सजकर आती है, किस किस तरह की कांवड़ बड़ी बड़ी यहां से गुजरने वाली है, हरिद्वार का पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं, हर की पौड़ी का नजारा दिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहेगा, देखिए गंगा मैया का जल स्तर कैसे है और आपको सामने राम झूले का नजारा दिखाई दिया है। राम झूले से होते हुए ये राम झूले का नजारा है और हम इधर आ रहे हैं जानकी झूले से होते हुए, जिसको सीता मैया के नाम से बनाया गया है। लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि वो डैमेज हो चुका है, वहां से यात्रियों का आना जाना फिलहाल बंद किया हुआ है और यहीं पे जो गंगा घाट बना हुआ है, यहीं से भी से भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बाजार के उस छोर पर पहुंच चुके हैं, वहां पर भीड़ रस सबसे ज्यादा होता है। तो यहां आप देख सकते हो अभी कांवड़ शुरू भी नहीं हुई है, आम भक्तों का यहां पे किस तरह से रस बना हुआ है और यहां पे खाने पीने की इतनी बढ़िया सुविधा है। ये चोटी वाले बाबा का ढाबा हम आपको लेकर आए हैं, ये देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा आपको देखने में ही लग रहा होगा। ज्यादातर लोग खाने से ज्यादा इनकी पिक लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हो इतने लोग अंदर खाने वाले नहीं बैठे,
है, जितने लोग बाहर इनकी पिक लेने वाले हैं, सेल्फी लेने वाले हैं। आप देख सकते हो एक व्यक्ति जो है अपने आप को चोटी वाले के रूप में डालकर किस तरह बैठा रहता है। इसके पास ही घंटी लगी रहती है और इसके ऊपर पंखा कंटिन्यू चलता रहता है ताकि इसका मेकअप ना बह जाए। दोस्तों वीडियो आपका कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कावड़ का पूरा नजारा दिखाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।